लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलदम करार दे दिया। साबिक वजीर आजम की वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलदम। दौरान समात प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात पेश की। जो एक ट्वीट पढ़ी उससे ज्यादा धमकियां आज कल जजेस को मिल रही हैं। अगर दरखास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा? अगर हम लोग को लीड करता तो फिर जरूर ये जुर्म होता। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के रिमार्क्स। बानी पीटीआई को अपनी मुमकिन हिरासत आर्मी को देने का खदशा। साबिक वजीर आजम की अजीज करामात भंडारी के तवस्सुत से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। 9 मई से मुतालिक केस में सिविलियन तहवील में रहने के लिए हुक्म जारी करने की इस्तेदा। नए तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। साबिक वजीर आजम के मुआविन वकील ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज कर दिया। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पीटीआई सेक्रेटेरियट से गिरफ्तार रऊफ फसल समेत 9 कारकुनान की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। मजीद 3 रोज के लिए एफआईए की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजमान की पार्टी की दीकर सोशल मीडिया टीम से वाबस्तगी की तफ्तीश करनी है। समात का हुक्म नामा जारी। मुलजमान को 27 जुलाई को पेश करने का हुक्म। बन्नू वाकिये से मुतालिक एपेक्स कमेटी का वजीर आला हाउस में इजलास। जिरगे का 5 रुकनी वफ्द भी शरीक। 16 मुतालिबात पेश कर दिए गए। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। बन्नू में मुहायदे के बाद मुसल्ला अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। दर्जनों गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। जेरे इस्तेमाल गाड़ियां जब्त और कई ठिकाने खत्म कर दिए गए। पुलिस एहलकारों का गश्त और सर्च ऑपरेशन। इलाका मकीन पुलिस की हिमायत में घरों से निकल आए। एक्शन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौजवानों को रोजगार के यकसां मौके फराहम करने के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। जॉब मार्केट के तहत तरबियती कोर्स कराने का हुक्म दे दिया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में वाज़ेह किया कि नौजवानों की फलाह व बहबूद से मुल्क की तरक्की जुड़ी है। नौजवानों को वसाइल फराहम किए जाएं तो मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के गरीब आवाम को अपने घर का मालिक बनाने का अज़्म। आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत को रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। मरियम नवाज ने पंजाब सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा भी अपडेट करने की जरूरत पर जोर। वजीर अला सिंह की जेरे सदारत BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट पर इजलास। मुराद अली शाह ने मनसूबे पर काम तेज करने की हिदायत जारी कर दी। काम मुकर्रा वक्त से पहले मुकम्मल करने की ख्वाहिश। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत की सालगिरह का केक काटने की तकरीब। कल एक जज ने कहा खत न लिखने पर वजीर आजम को हटाना गलत था। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, हमेशा जमहूरियत के लिए आईनी जिद्दोजहद की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। साल 2018 में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। मसनू शख्स को लीडर बनाकर पेश किया गया। शजील इनाम मेमन का पीटीआई पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पूरे कराची में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाने और अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का आज़्म। पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। सीनियर वजीर सिंध का दावा। शेख रशीद का सियासी सूरत हाल तबाही की तरफ जाने का दावा। हुकूमत जो कदम उठाती है उसे नुकसान और तहरीक इंसाफ को फायदा होता है। जब किसी की अकल पर पर्दा पड़ जाता है तो फिर क्या होता है? अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का तंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जेल ट्रायल और फर्द जुर्म का फैसला कलदम करार। फरीकैन को नोटिसेस जारी। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने साबिक वफाकी वजीर की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। ऑटोमेशन की तरफ कदम बढ़ाने के बावजूद मसाइल अभी बाकी हैं। AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। खुद को जदीद दौर की चीजों से हमाहंग करना होगा वरना पीछे रह जाएंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक का बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। अमरीका का पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ यकसां सलूक पर जोर। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। एहतराम जमहूरियत और इंसानी हकूक की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करने और दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से 101 मिलियन बजट की दरख्वास्त की है। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। फ्रैंकफर्ट में कौंसल खाने पर हमले के बाद जर्मनी हुकाम से राबते में है। पाकिस्तानी मिशन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ 30 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। 9 मुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। जहरा बलोच ने सऊदी वली अहद के दौरे पर कयास सराइयां बेबुनियाद करार दे दी।
वाज़े किया। लंदन में पाकिस्तानियों के साथ पेश आए वाकये की तहकीकात हो रही है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद, पुलिस एहलकार अचानक करीब बैठे शख्स पर चढ़ दौड़ा और उसे लाठी मारी। वीडियो मंजरियाम पर आ गई। वाकये के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी का पुलिस स्टेशन के सामने शदीद एहतजाज। वाकये में मुलव्वस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। एमकेएम पाकिस्तान का 28 जुलाई को यूथ कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने तमाम नौजवानों को शिरकत की दावत दे दी। हुकूमत और रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रही। एमक्यूएम रहनुमा का शिकवा। मुल्कगीर शजरकारी मुहिम चलाने की भी नवीद सुना दी। कौमी असेंबली के मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। कोई भी मुलाजिम डिजिटल मीडिया के जरिए झूठी खबरें, मालूमात और अफवाहें नहीं फैलाएगा, गैर जिम्मेदाराना जज्बात का इजहार नहीं करेगा। मुलाजिम सरकारी मालूमात गैर मजाज अफराद को फराहम नहीं करेगा। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड मुलाजमीन भी कवायद और जवाबित की पासदारी करेंगे। इंटरनेट पर फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। फिल्टरिंग सिस्टम नस्ब करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सोशल मीडिया जाली खबरों का फैलाव रोकने मकसद है। हुकूमती इकदाम से इंटरनेट पर कारोबार करने वाले अफराद का इजहार तशवीश। सिंध के वजीर तवानाई ने अगस्त में 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करने की नवीद सुना दी। नासिर हुसैन शाह ने सोलर पार्क शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सार्फीन मजीद महंगी बिजली के झटकों के लिए हो जाएं तैयार। बिजली 2 रुपए 63 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। CPPA ने जून की बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। समाप्त 31 जुलाई को होगी। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर कार के ऊपर गिर गया। एक शख्स जाँ बहक। टैंकर का इंजन अलग हो जाने से हादसा पेश आया। क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को कार से हटा दिया गया। टैंकर में मौजूद मिट्टी के तेल को दूसरे टैंकर में मुंतकिल करने की कोशिशें। कई घंटों से शारा फैसल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की वॉशिंगटन में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर शदीद तनकीद। एहतजाज करने वालों को ईरान का हामी करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में ईरान हिमायत याफ्ता फोर्सेस अमरीका इसराइल और अरब दोस्तों के खिलाफ नबर्दाजमा हैं। अमरीका और इसराइल को इन कुव्वतों के खिलाफ साथ खड़ा होना होगा। इसराइली वजीर आजम का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। पाकिस्तानी पासपोर्ट मुसलसल 4वें साल दुनिया का 4था कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। अफगानिस्तान पहले, शाम दूसरे और इराक तीसरे नंबर पर। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट बन गया। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के 199 ममालिक की पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी कर दी। दुनिया के खेल का सबसे बड़ा मेला पेरिस ओलंपिक्स का कल से आगाज। तारीख में पहली बार इफ्तिताही तकरीब ग्राउंड के बजाय दरिया पर होगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर से हजारों खिलाड़ी फ्रांस पहुँच गए। वुमेन एशिया कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। कौमी टीम श्रीलंका के मध्य मुकाबले होगी। पहले सेमीफाइनल में कल भारतीय और बांग्लादेशी टीम्स आमने सामने होंगी।